प्यारे बच्चे सुप्रभात। आज मैं वर्ग 3 विषय हिंदी जिसमें पार्ट है 7 पढ़ाने जा रहे हूँ, उसका शीर्षक है भानुदत्त की चतुराई। सबसे पहले चतुराई का क्या अर्थ होगा? चतुराई का अर्थ होगा होशियारी। तो क्या करना है हम लोग को? भानुदत्त की होशियारी। अब सबसे पहले शब्दार्थ की ओर ध्यान दो। साहस, साहस का हो जाएगा हिम्मत। विकट, विकट का अर्थ होगा संकट। मुसीबत, मुसीबत का कष्ट। मौत, मौत का क्या हो जाएगा? मृत्यु। मार्ग, मार्ग का होगा रास्ता। इनाम, इनाम का अर्थ होगा पुरस्कार। अब पाठ्य पुस्तक की ओर आइए। पाठ्य पुस्तक पढ़ने से पहले, भानुदत्त नाम के एक पंडित हैं, उसी के बारे में आप लोग को पढ़ना है। अब प्रस्तावना की ओर ध्यान दो। प्रस्तुत पाठ में विकट परिस्थिति में भानुदत्त को साहस एवं बुद्धि के साथ समस्या सुलझाने के बारे में बताया गया है। भानुदत्त के साथ क्या समस्या आई और कैसे उन्होंने उस समस्या को सुलझाया, इसी के बारे में इस पाठ में पढ़ना है। अब आइए हम लोग पाठ की ओर चलते हैं। आप लोग भी किताब निकाल लीजिए और ध्यान से सुनिए। एक बार एक पंडित कहीं जा रहा था। उसका नाम भानुदत्त शास्त्री था। उस पंडित का क्या नाम था? भानुदत्त शास्त्री। उसे रास्ते में एक कुम्हार मिला। कुम्हार किसको कहते हैं? बर्तन बनाने वाले को, जो बर्तन बनाता है। तो भानुदत्त को एक कुम्हार मिला, उसके 2 गधे खो गए थे। वह उन्हें ढूंढ रहा था। उसने पंडित को देखा तो उसके पैर छूकर कहा, महाराज मेरे 2 गधे खो गए हैं, वे मिल नहीं रहे हैं, आप जरा ज्योतिष का हिसाब लगाकर बताइए कि वे किधर हैं। भानुदत्त को ज्योतिष का कोई ज्ञान नहीं था। अब प्रश्न उठता है कि क्या भानुदत्त को ज्योतिष का ज्ञान था? तो इसका आंसर होगा, भानुदत्त को ज्योतिष का ज्ञान नहीं था, किंतु उसे याद आया कि जब वह आ रहा था तो उसे रास्ते में 2 गधे मिले थे। उसने उंगलियों पर हिसाब लगाने का नाटक किया और बोला, तुम्हारे गधे उत्तर दिशा में गए हैं। अब क्या हुआ? भानुदत्त ने सोचा कि अब हम क्या करें। उन्होंने नाटक किया, उसने उंगलियों पर हिसाब लगाने लगा। इसके पहले जब भानुदत्त आ रहे थे तो रास्ते में उसने देखा था कि 2 गधे जा रहे हैं, तो वे कुम्हार को बताए कि तुम्हारे गधे उत्तर दिशा में गए हैं। भानुदत्त शास्त्री के कहने पर कुम्हार उत्तर दिशा की ओर चल दिया। कुछ दूर जाने पर उसे अपने दोनों गधे मिल गए। अब तो कुम्हार जहां भी जाता पंडित के ज्योतिष ज्ञान का गुणगान करते न थकता। धीरे धीरे भानुदत्त के ज्योतिष ज्ञान की चर्चा घर घर में फैल गई। भानुदत्त की प्रसिद्धि फैलते फैलते वहां के राजा तक जा पहुंची। अब क्या हुआ? कुम्हार जहां जाते वहां पंडित के ज्योतिष ज्ञान के बारे में चर्चा करते। अब चर्चा करते करते ये प्रसिद्धि राजा तक फैल गई। तभी एक दिन रानी का नौलखा हार गुम हो गया। गुम होना का मतलब है खो गया। बहुत खोज की गई
पर हार न मिला। तभी राजा को पंडित भानुदत्त शास्त्री का ध्यान आया। उसने पंडित को अपने महल में बुलवाया। राजा ने क्या किया, भानुदत्त को महल में बुलवाया। राजा ने कहा, पंडित जी, रानी का नौलखा हार खो गया है, आप अपने ज्योतिष से उसका पता लगाकर बताइए। भानुदत्त समझ गया कि वह मुसीबत में फंस गया, किंतु वह घबराया नहीं। उसने चतुराई से काम लेते हुए कहा, अन्नदाता, मुझे इसके लिए एक सप्ताह का समय दीजिए। भानुदत्त ने राजा से क्या कहा, तो राजा से एक सप्ताह का समय दिया। राजा बोला, ठीक है, तब तक आप हमारे महल में ही रहिए। भानुदत्त को महल के एक कमरे में ठहरा दिया गया। वहां खाने के लिए भोजन मिलता था और सेवा के लिए दासियां थी, पर उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। किसको अच्छा नहीं लगता था, भानुदत्त को। धीरे धीरे 6 दिन बीत गए, पर रानी के नौलखा हार का कुछ पता न चला। कितने दिन बीत गए थे, 6 दिन। पंडित को मौत सामने दिखाई दे रही थी, किंतु उसे बचने का कोई मार्ग सूझ नहीं रहा था। रात हो गई, भानुदत्त ने कुछ भी नहीं खाया पिया, अपने बिस्तर पर जा लेटा। उसे लग रहा था कि उसके जीवन की अंतिम रात है। किसे लग रहा था कि जीवन की अंतिम रात है, तो भानुदत्त को। उसकी आंखों से नींद उड़ गई थी। उसने अपने आप से कहा, जाड़ी चिंता आरी निंदिया। कहने का मतलब है, चिंता जाओ और निंदिया आओ। कौन बोला, भानुदत्त। राजा की दो दासियों के नाम चिंता और निंदिया थे। रानी की दासी का क्या नाम था, एक का नाम चिंता और दूसरी का नाम निंदिया। उन दोनों ने ही रानी का नौलखा हार चुराए थे। वे पहले से ही बहुत डरी हुई थी। कौन डरी हुई थी, दोनों दासियां। अब पंडित के मुंह से अपना नाम सुनते ही उनके होश उड़ गए। उन्होंने समझा कि पंडित को हमारी चोरी का पता चल गया है और यह सवेरे राजा को बता देगा, फिर राजा हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने पंडित के पैर पकड़ लिए। किसने पकड़ लिया, तो चिंता और निंदिया ने। भानुदत्त घबरा उठा और बोला, क्या बात है। निंदिया ने कहा, पंडित जी, आप ही हमें बचा सकते हैं, वह हार हमने ही चुराया है। भानुदत्त मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, पर अपनी प्रसन्नता को छिपाते हुए उसने कहा, हार कहाँ है। चिंता बोली, हमने उसे बाग में पीपल के पेड़ की खोखर में छिपा रखा है। देखो, इस बार तो मैं तुम्हें बचा लूंगा, पर फिर कभी चोरी मत करना, भानुदत्त ने कहा। अगले दिन पंडित ने दरबार में राजा को बताया, महाराज, मेरा ज्योतिष ज्ञान बताता है कि रानी का नौलखा हार राज उपवन में पीपल के पेड़ पर है। राजा ने तुरंत नौकर को भेजे। राजा किसको भेजे, नौकर को भेजे। वे थोड़ी ही देर में हार लेकर आ गए। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने भानु शास्त्री को बहुत सा धन इनाम में दिया और अपना राज ज्योतिषी बना लिया। किसको राज ज्योतिषी बना लिया, तो भानुदत्त को। प्यारे बच्चे, अब आप इस पाठ को, इस वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनिएगा और इस कहानी को बार बार पढ़िए। धन्यवाद।